नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी प्री बोर्ड सेमेस्टर फर्स्ट का। ये जो एल्गी, फंजाई और ग्रायोफाइट वाला पेपर है उसको, और ये रहेगा हमारा अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, और ये सीबीसीएस जो स्कीम है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम शुरू क्या कर रहे हैं, एल्गी, फंजाई एंड ग्रायोफाइटा का पेपर। अब ये जो एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा का पेपर है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इस एनईपी जो नया सिलेबस लागू हुआ है, सेमेस्टर स्कीम जो लागू हुई है, जहाँ पर ये सेमेस्टर स्कीम वहाँ पर लागू हुई है जहाँ पर पहले केवल सिंगल 1 ईयर कोर्स लागू रहते थे। ठीक है ना, तो सब जगह जहाँ जहाँ पर भी ये सिस्टम अप्लाइड किया गया है, सब जगह सेम सिलेबस है। कुछ एक दो चार टॉपिक का ही अंतर हो सकता है, बाकी सेम सिलेबस रहेगा। इसको ऐसा किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकता है, मतलब वो जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसे कॉमन कर दिया गया है। बात समझ में आ गई, वो सिलेबस हो गया है कॉमन। तो कॉमन सिलेबस होने की वजह से ये जो एनईपी का सिस्टम है ये सिंपल हो गया, मतलब इतना अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी में हो दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसको छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, अगर आपके साथ में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो हमारा ये जो सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस अब जो है वो एनईपी के अकॉर्डिंग होगा। तो अब से जो भी आपको वीडियो मिलेंगे ऐप के ऊपर, ठीक है ना, ऐप के ऊपर जो भी आपको वीडियो मिलेंगे न्यू कोर्स के हिसाब से ही मिलेंगे, मतलब ये एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा इसका। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो भी एनईपी के सिलेबस आए हुए हैं, मतलब एनईपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो एनईपी के अंदर क्या बात है, एनईपी के अंदर जो पेपर होता है आपका, उस पेपर के अंदर वैसे तो क्या होता है, 4 यूनिट है अपनी। कितनी यूनिट है, 4 यूनिट जो है इसके अंदर दी गई है। ठीक है, अब ये जो 4 यूनिट होते हैं, इन 4 यूनिट में से क्या सिस्टम होता है, इन 4 यूनिट में से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोटनी का सिस्टम है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आएगा कौन सा, जनरल पेपर बता रहा हूँ मैं, जो जनरल पेपर होता है। तो अब ऐसा पेपर नहीं होता है, कैसा होगा वो भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन तो जो होगा वो आपका क्या होता है, एमसीक्यू टाइप हो सकता है। ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, या फिर वन लाइनर हो सकता है, वन लाइनर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो होगा। टोटल 4 यूनिट में से कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये पैटर्न है। फिलहाल जो पैटर्न है मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना क्या किस तरह का जो है सिलेबस होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनईपी के पेपर के अंदर 4 यूनिट होगी आपकी, एक पर पेपर में। ठीक है, पर पेपर में कितने यूनिट होंगे, 4 यूनिट होंगे, और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो होगा वो या तो एमसीक्यू हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या वन लाइनर हो सकता है, मतलब एक एक लाइन में आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो जो होगा उसमें वो फर्स्ट यूनिट से पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर दो जो पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा, यूनिट फर्स्ट से पूछा जाएगा, और इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको, और एक का जवाब आपको देना है, अथवा में क्वेश्चन रहेंगे जैसा नॉर्मल बीएससी में होता है वैसा ही रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीन जो होगा आपका वो भी सेम रहेगा, लेकिन ये किससे होगा, यूनिट नंबर सेकंड से होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको केवल एक का जवाब देना है। फिर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर थ्री, तो तीन तो हो गए, क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर है, ये रहेगा आपका यूनिट नंबर थर्ड से। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 ही क्वेश्चन होंगे, और ये जो 2 क्वेश्चन होंगे इनमें से भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन आंसर सोल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है पांच होगा वो आपका, तो कितने क्वेश्चन होंगे, 5, और ये आएगा आपका यूनिट नंबर 4 से, और यूनिट नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। अब क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तुरंत तरोताज़ा जो है ये सिलेबस लॉन्च किए हैं, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी में पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो परीक्षा को देखते हुए कि समय पर
बच्चों की परीक्षाएं जो है वो पूरी करा ली जाए, उसके आधार पर उसको देखते हुए पैटर्न थोड़े से चेंज किए गए हैं। जनरल हमारा जो है जितने भी हमारा एनईपी का सिलेबस होगा उनमें सेम यही पैटर्न होगा आगे चलकर, अभी भी है आगे चलकर भी होगा, लेकिन अब ये पैटर्न तो किस में मिलता है और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सबके अंदर सेम पैटर्न है, सबके अंदर यही पैटर्न होगा, इस तरह से यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके और इसी तरह से आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये किया हुआ है कि जो आपका सेमेस्टर, देखो कौन कौन से सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड, ठीक है ना, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड, यहाँ पर जो क्वेश्चन है एमएससी की बात करो, एमएससी की, नॉट बीएससी की, बीएससी की बात अलग करेंगे, जब बीएससी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे उस समय बात करेंगे बीएससी के बारे में, अभी हम एमएससी की बात कर रहे हैं, एमएससी सेमेस्टर हमारा फर्स्ट है, तो एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट और एमएससी सेमेस्टर थर्ड, इसमें तो रहेगा एमसीक्यू पैटर्न, कौन सा पैटर्न रहेगा जी, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में सब में नहीं, जैसे अभी जो पीडी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी सेम यही पैटर्न है कि जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड है उसके अंदर क्या पैटर्न हो, एमसीक्यू पैटर्न होना चाहिए, वहां पर एमसीक्यू पैटर्न को फॉलो किया जाता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जो नई यूनिवर्सिटीज है जैसे पंजाब वगैरह है तो वहां पर केवल कुछ सेमेस्टर में ही सेमेस्टर में ये पैटर्न नहीं है, अब कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज है अभी उनके बारे में जहाँ जहाँ पर सिलेबस लग रहा है वो परीक्षाएं किस तरह से करवा रहे हैं उसके बारे में अगर पता चलेगा तो आपको फिर से और भी बताया जाएगा। तो फिलहाल तो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड में एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। तो अब हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस में पढ़ाया तो डिटेल में जाएगा आपको, मतलब इसकी डिटेलिंग होगी, कंप्लीट कोर्स की जो भी टॉपिक है कोर्स के वो सारे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन हर टॉपिक के बाद जैसे अभी हम पेपर शुरू करेंगे एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइट, तो जैसे जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी है उस टॉपिक है वो हमने पढ़ा दिया आपको, पढ़ाने के बाद में नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन, कम से कम मिनिमम 50 भी हो सकते हैं, मिनिमम 20 क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएंगे और जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो आपका होगा लाइव टेस्ट में आपको सोल्व करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते, वो आप करेंगे। उसके अलावा हम उन कोर्स की जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि अगर एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर हो, अगर एग्जाम किस पैटर्न पर हो, एमसीक्यू पैटर्न पर हो, तो आप उस उन क्वेश्चंस का आंसर लगा सके, बात समझ में आ गई मेरी। तो इस की खास बात ये रहेगी एनईपी सिलेबस की कि इसमें हर बार हर टॉपिक के बाद में आपको मिनिमम 20 से लेकर 50 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे और वही करवाए जाएंगे जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कब करवाए जाएंगे, जब वो टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है, अगर एक टॉपिक के चार पार्ट हैं, क्योंकि बहुत सी बार हमारा टॉपिक जो होता है वो छोटा, क्योंकि मैं जो क्लास लेता हूँ वो छोटी लेता हूँ, आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, उसका रीजन ये है कि क्लास बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्लास बड़ी होगी तो आप बोर हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे सही तरीके से, चीज़ें याद नहीं रहेंगी, इसलिए मेरी क्लास होती है छोटी, मतलब समय कम होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है। तो वो जब जैसे एक टॉपिक की चार क्लास हुई तो चारों क्लास का एक एमसीक्यू आपको मिलेगा, ठीक है ना, एक एमसीक्यू जो है पेपर होगा वो आपको मिलेगा, मतलब पहले हम ऑनलाइन उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ आंसर लगे रहेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस बनाती रहेगी। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे या अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप पीजीटी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पीजीटी के फर्स्ट ग्रेड के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में या कोई सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, ठीक है, कौन सा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उस सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आपको बॉटनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बात समझ में आ गई। तो ये पैटर्न रहेगा हमारा ये कोर्स के अंदर, ठीक है, तो ये कोर्स को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है आपको इसको, और जैसे ही शुरू होता है ताकि आपको साथ के साथ आप चलते रहे, अगर देखो लास्ट में आप आओगे तो फिर आप लाइव क्वेश्चन को, लाइव जो टेस्ट है हमारा जो 50 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट
वो टेस्ट आप लाइव नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पहले ही से सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप हमारे साथ साथ ही वो चीज़ें कर सकें, ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 महीने, ये भी ध्यान रखना है आपको, 6 महीने में ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में परीक्षा हो जानी है, तो 6 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखो कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है इस पेपर के अंदर। इस पेपर के अंदर हम, अच्छा ये है क्या, पहले तो थोड़ा सा ये समझते हैं। तो ये मास्टर ऑफ बॉटनी के रूप में यहाँ पर बताया गया है, और CBCS स्कीम है ये, ठीक है ना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS बोलते हैं इसको। NEP के आधार पर है, NEP 2020, जो सेमेस्टर 1 से 4 तक का सिलेबस आ चुका है हमारे पास में, जो MSc प्री और MSc फाइनल दोनों का ही सिलेबस है। अभी हम प्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल से ये लागू हुआ है, तो सभी लोग इसको जो है ज्वाइन करेंगे। तो एकेडमिक सेशन ये, जैसे जिस यूनिवर्सिटी से हमने लिया है वहाँ पर ये 2024-25 के लिए बनाया गया है। डिसिप्लिन है बॉटनी, फैकल्टी ऑफ साइंस है, और पेपर फर्स्ट का हम सिलेबस डिस्प्ले कर रहे हैं आपके, ठीक है। अब ये किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर सेकंड हो सकता है, किसी में थर्ड हो सकता है, किसी में फोर्थ हो सकता है, किसी में सेकंड सेमेस्टर में भी हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो। कभी कभार आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर हमारे पास में MSc फाइनल में मिलता है, और वो हम यहाँ प्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सेम ही होता है, सब चीज़ें सेम होती है। अब चूंकि पैटर्न बदला है, NEP का पैटर्न आया है, तो अब इसके हिसाब से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी NEP का सिलेबस जो है लागू हो गया है, उन लोगों को ये कोर्स खरीदना चाहिए, ठीक है, खरीदना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो बात अलग है। चलिए तो क्वेश्चन पेपर है हमारा ये, एल्गी फंजाई एंड ब्रायोफाइट, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल कोर्स में थी पिछली बार, कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ा गया, कुछ 2-4 चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई है, पर वो जोड़ी भी जोड़ी गई है बहुत अच्छी जोड़ी गई, जो भी जोड़ा गया है वो अच्छा जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर नीचे का जो भी है आपको, ये कुछ नाम दे दिए गए हैं, स्पायरुलिना एना बीना भी जोड़े गए। अभी देखते हैं अपन क्या क्या है इसके अंदर, जो हमने पिछली क्लासों में नहीं पढ़े हैं और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एल्गी, एल्गी का जो ये पेपर है, ये डाइवर्सिटीफाइड मतलब डाइवर्सिफाइड हैबिटाट्स का है, ठीक है ना। अब कौन कौन से हैबिटाट होते हैं शैवालों के, देखो एक तो टेरिस्टेरियल होता है, फ्रेश वाटर होता है, और एक मेराइन होता है। तीनों तरह का जो आवास होता है, उस आवास में पाए जाने वाले शैवाल के बारे में बात जानकारी लेंगे। उसमें पाए कौन कौन से जो शैवाल है वो कौन कौन से आवास में पाए जाते हैं, यानी कि टेरिस्टेरियल में कौन पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर कौन से होते हैं, और मेराइन वाटर के अंदर कौन से होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम उनका थेलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उनके अंदर किस तरह का थेलस पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल की अल्ट्रास्ट्रक्चर, सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर, जो सेल की एल्गी होती है उसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर किस प्रकार की, क्रम बदल सकता है, क्रम हम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए क्रम को बदल देते हैं सिलेबस में से, ठीक है, बाकी कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखो आपका दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन करना है, सेल वाल कंपोजिशन, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल एंड फ्लेजिलेशन। अब यहाँ पर क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर आपको है ना वो नहीं दिया गया है कि किस साइंटिस्ट का आपको जो है क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, किस साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि सब साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो अब हमें ये पता नहीं है इसके अंदर कि कौन सा क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं है, ठीक है। तो जो एडवांस क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में, जो RPSC वगैरह में या दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस साइंटिस्ट का भी हम यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ 2-3 जो साइंटिस्ट होंगे उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो फ्रिश का क्लासिफिकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो फ्रिश का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो फ्रिश का पढ़ेंगे। इसके बाद में आ जाइए आप, सेलाइंट फीचर ऑफ साइनोफाइटा, साइनोफाइटा पिछले वाले में भी था, यहाँ पर भी है, क्लोरोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, जेंथोफाइटा और पायरोफाइटा और थियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ये क्लासिफिकेशन जो है, मतलब क्लासिफिकेशन का ये आपके जो वर्ग थे इसके एल्गी के, उनको एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है ना।
साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, जेंटोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा। अब इनके कुछ रेफरेंसेज भी हमें साथ में ही पढ़ने पड़ेंगे, जैसे स्पाइरुलिना हो गया, एनाबीना हो गया, उडोगोनियम हो गया, नाइटेला हो गया, पिनुलेरिया हो गया, लेमिनेरिया हो गया और पेट्रेकोस्पर्मम हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें नहीं जोड़ दी गई हैं, ठीक है, जैसे पिनुलेरिया हो गया आपका, नाइटेला पहले भी था, बेट्रेकोस्पर्म स्पर्मम ये भी नया जोड़ दिया गया है कुछ, ठीक है, तो कुछ चीज़ें नहीं हैं, बाकी वही यूनिट है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है, इसमें हमें इतने टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, और यहाँ से आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अपन यूनिट नंबर दो की। यूनिट नंबर दो जो है वो किससे रिलेटेड है? तो यूनिट नंबर दो जो है वो है मेनली यहाँ पर कुछ पार्ट तो यहाँ पर एल्गी का है, यहाँ से यहाँ तक तो है ना, यहाँ से यहाँ तक तो एल्गी वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट होता है शुरू यहाँ से फंजाई है। मतलब यूनिट नंबर दो में दो चीजें, एल्गी भी है और फंजाई भी यहाँ पर दी गई है। तो एल्गी की बात करें तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी गई है एल्गी की, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, यहाँ से हर कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। स्पेशली इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है आजकल एलजी का, तो ये करंट के क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज जो है आई है बायो फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है, बायोफ्यूल्स के लिए, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है कंपटीशन वाले एग्जाम में। तो फूड है, फूडर है ना, बायोफ्यूल है, बायो फर्टिलाइजर है, एंड एल्गल ब्लूम, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो रहा है आजकल एल्गल ब्लूम, क्योंकि जहाज के जहाज पलटते जा रहे हैं एलगी की वजह से, तो एल्गल ब्लूम जो है वो भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ एल्गी, ये थोड़ा सा अलग जोड़ दिया गया है कि आप आइसोलेशन कैसे करते हैं, कल्चर कैसे करते हैं सेवाल का, एल्गी का, तो उसके भी विधियां हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, उनके लिए किस तरह का मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, उनको कैसे आइसोलेट किया जाता है, टेरिस्टेरियल से, सरफेस से, या मेराइन स्टेज से, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई वाला। फंजाई वाले की अगर हम बात करें तो फंजाई के जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे अपन, सबस्ट्रेट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है, पहले भी था, सेल की स्ट्रक्चर, सेलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल कंपोजिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन देखो कौन कौन से न्यूट्रिशन पढ़ने हैं, हमें हमें पढ़ना है सेप्रोबिक, बायोट्रॉफिक और सिम्बायोटिक, तीन तरह का रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है यहाँ पर, सॉरी सॉरी, तीन तरह का न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है, कौन सा, सेप्रोबिक, बायोट्रॉफिक और सिम्बायोटिक, ये तीन तरह का आपको सॉरी न्यूट्रिशन यहाँ पर पढ़ना है, तीनों तरह से किस तरह से जो है फंजाई फूड अपना लेती है, ठीक है। चलिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन दिया गया है, वेजिटेटिव टाइप से नहीं कहा गया है, केवल सेक्सुअल और असेक्सुअल ही हमें यहाँ पर पढ़ना है, कुल मिलाकर बात ये, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए हेटेरोथेलिज्म, हेटेरोथेलिज्म पढ़ना है, पहले भी था अभी भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अपन। हेटेरोथेलिज्म हो गया, हेटेरो हेटेरोकेरियोसिस, ठीक है, ये भी था, पैरासेक्सुअलिटी भी था, ये भी है अभी भी है, रिसेंट ट्रेंड इन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये पहले भी था अभी भी है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको भी हम क्या करेंगे जी, कवर करेंगे, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर थर्ड। अब यूनिट नंबर थर्ड के अंदर क्या चीज़ें हैं, देखो तो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर है जनरल अकाउंट ऑफ मस्टिको माइकोटिना, मस्टिको माइकोटिना का जनरल अकाउंट, ठीक है, इसको पढ़ेंगे अपन, ये भी फंजाई है, जाइगो माइकोटिना, एस्को माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना और ड्यूटेरो माइकोटिना, ये सारे के सारे जो है आपके जो क्लासेज हैं इन क्लासेज का आपको कंप्लीट जनरल अकाउंट यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन साथ में हमें क्या पढ़ना है, राइजोपस को पढ़ना है, इन्हीं के साथ में पेरोनोस्पोरा को पढ़ना है, न्यूरोस्पोरा को पढ़ना है, पोलीपोरस को पढ़ना है और ट्रिकेस्लेरेंट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिकेस्लेरेंट, ठीक है, इसको पढ़ना है, ट्रिकेस्लेरा, सॉरी मैं भी एक साथ बोल रहा हूँ इसको गलत है, ट्रिकेस्लेरा, यह है ड्रिकेस लेरा और साथ में पोलियो ट्राइकम, ठीक है, इनको पढ़ना, ड्रिकेस लेरा और पोलियो ट्राइकम, ये एंड जो है ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक
फिर साथ में है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, इंडस्ट्रीज में क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मेडिसिन में क्या इस्तेमाल होता है इसका, है ना, एज ए फूड फंजाई, एज बायो कंट्रोल एजेंट, पॉइजनस फंजाई और माइकोराइजा, ये सब जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा यूनिट थर्ड का। अब जो चौथी यूनिट रहेगी हमारी वो रहेगी आपकी ब्रायोफाइटा। तो पहली यूनिट तो हमारी एल्गी की हो गई, दूसरी यूनिट एल्गी और फंजाई मिक्स हो गया, तीसरी यूनिट कंप्लीट फंजाई की है, और जो फोर्थ यूनिट है ये फोर्थ यूनिट रहेगी हमारी ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स की ये यूनिट है, इसके अंदर हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइट की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स का, जनरल अकाउंट ऑफ मार्केंसिया है और जंगर मेनियल्स है, मार्केंसियल और जंगर मेनियल्स का जनरल अकाउंट पढ़ना है शुरू वाले पोर्शन में। ठीक है, फिर दूसरे वाले में एंथोसीरोटेल्स है, स्फेग्नेल्स है, फ्यूनेरियल्स है एंड पोलिट्राइकेल्स है, और इनके जो स्पीसीज है या आप कह सकते हो मेंबर है उनको भी हमें पढ़ना है, जैसे पेलीजियो केजमा, ठीक है, नोटोथाइलस या नोटोथाइस बोलते हैं इसको, स्फेग्नम, पोलिट्राइकम, इनको पढ़ना है हमें। कितने हो गए, एक दो तीन और चार मेंबर हमें पढ़ने हैं। फिर इसके बाद इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है ब्रायोफाइट की, नया जुड़ा है इसके अंदर अलग से। ठीक है, रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स का क्या रोल है, क्योंकि आपके पास जो है ना थर्ड पेपर, किसी किसी में थर्ड पेपर जो है वो इकोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो ये भी यहाँ पर बहुत जरूरी पेपर बन जाता है। ठीक है, कोशिश ब्रायोफाइट्स क्या है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन ब्रायोफाइट ये क्या है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमारी चार यूनिट जो है वो हो जाती है। अब हम हमारा जो पैटर्न है मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या पैटर्न हमारा रहने वाला है। हम यहाँ पर जो है पहले तो आपको टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे, टॉपिक का क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसके बाद में आपको इन्हीं टॉपिक्स से एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन ये जो सॉल्यूशन करेंगे हम ये कैसे करेंगे जी, लाइव करेंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्यूशन लाइव करने हैं तो, और अगर आपको ऑफलाइन करना है तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, उसमें कोई हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जब इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर हो जाइए तैयार हमारे साथ इस नए पड़ाव के साथ में, यानी कि नए पथ की ओर अग्रसर होते हुए आपको अपनी मंजिल को पाना है। और ये जो एमएससी आप कर रहे हैं अभी बॉटनी से, इसमें अच्छे नंबर, अच्छे नंबर मतलब, अच्छे नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप 70% 75% नंबर ले आए, अच्छे नंबर का मतलब है कि आप 80+ नंबर लेके आए। ठीक है, या 85+ नंबर लेके आए, इसको मैं अच्छा कहता हूँ, ये अच्छा है। ठीक है, और ये जो है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ठीक, अगर आप इस 85+ लेके आते हो डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी में आप गोल्ड मेडल के हकदार हो जाते हो, और जिसको लेना है गोल्ड मेडल वो लेके आएगा 85+ नंबर हर पेपर में। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि अगर आप 55 से नीचे नंबर लेके आते हो, 55% से नीचे आपके नंबर होते हैं, तो फिर भैया आपको क्या किया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा नेट की परीक्षा देने से। ठीक है, क्योंकि आगे जो हमारा मेन जो मोटो होगा आपका वो रहेगा नेट, CSIR नेट की परीक्षा देना और उसको क्लियर करना, क्योंकि अब वो कर दिया है अनिवार्य। अगर आपके पास CSIR नेट का जो है क्लियर नहीं है तो फिर आपको आगे नहीं भेजा जाएगा, मतलब PhD वगैरह इनमें कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब ये जो पेपर हम पढ़ेंगे ये पेपर आपको CSIR नेट में कहाँ मदद करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बी पार्ट होता है हमारा, बी पार्ट, उस बी पार्ट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कम से कम आप यहाँ पर इसी चैप्टर इन्हीं से एल्गी ब्रायोफाइट और जो है आपका क्या है बोला मैंने आपको फंजाई, इनसे आप कम से कम यहाँ पर आपको, अगर पूरे पेपर की बात करें ओवरऑल पेपर की, तो बी पार्ट में आपको कम से कम 7 से 9 क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिल जाते हैं रिलेटेड।
रिलेटेड है ना, रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और आप आसानी से यहाँ से 5 क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे इस पेपर को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये पेपर इन्होंने डिजाइन ही इस तरह से किया है, क्योंकि आगे पास करना है आपको एमएससी पास, एमएससी के बाद में आपको नेट पास करवाना मकसद है गवर्नमेंट का, ताकि आप नेट पास करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बने, यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाएँ, कॉलेजेस में आप पढ़ाएँ, तो वहाँ पर चाहिए वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने पेपर को, सिलेबस को और परीक्षा के पैटर्न को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप नेट तुरंत ही क्वालिफाई कर जाएं, और नेट तुरंत क्वालिफाई करने के बाद आप को तुरंत ही पीएचडी में एनरोल कर लिया जाए या जीआरएफ में एनरोल कर लिया जाए, ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। बात समझ में आ गई? तो हर चीज़ के पीछे एक बड़ा सा मकसद होता है, और उस मकसद के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, वो एक दिन में नहीं मिलता है, सीढ़ी दर सीढ़ी जाना पड़ता है। तो ये भी एक सीढ़ी है, यहाँ से जाओगे आप गुजर के, ठीक है। कोचिंग करना एक अलग चीज़ है, देखो कोचिंग वाली बात जो आप करते हो कंपटीशन एग्ज़ाम, वो अलग चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हम कोई कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कराते हैं यहाँ पर इस कोर्स के अंदर, और कोर्सेज में हमारे कंपिटिटिव एग्ज़ाम चल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन इस कोर्स में हम कोई कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवाते हैं। हम यहाँ पर आपको करवाएंगे रिटर्न तैयारी, रिटर्न परीक्षा की तैयारी, मतलब जिसमें लिखा जाता है, ठीक है। लिखने वाली जो तैयारी होती है वो आपको करनी है, ठीक है। अब चूंकि एमसीक्यू पैटर्न इन्होंने किया है, तो हम साथ के साथ ही आपके लिखने के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। और फिर देखो यूनिवर्सिटीज अभी स्टार्ट किया है, तो किस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा है वहाँ पर, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर आगे हम इसमें और भी डेवलपमेंट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपन ने हमारे फर्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का नाम है एग्ज़ाम A to Z 2.0, एग्ज़ाम A to Z 2.0, या आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करिए और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ये NEP का जो कोर्स है, फिलहाल PDSU के लिए बनाया गया है, तो PDSU में आपको मिल जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, अगर आपका कोर्स मैच कर रहा है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स पढ़ सकते हैं, सेम ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।